कौशिक है, मैं ये एक नया गाना आ रहा है और ये गाना एक सूफी गाना है जिसमें हमने इसका नाम रखा है मेरे बुलेट बाबा मेरी ज़िंदगी। ये एक ऐसी कहानी पे आधारित है जो कि एक रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है, बट बिकॉज बाबा जी की कृपा से। तो बुलेट बाबा हैं, बहुत फेमस हैं राजस्थान में और बहुत सारे किस्से हैं इनके बारे में, लेकिन इन पे कोई अच्छा गाना या एक बढ़िया इनकी प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं हुई है। यही आइडिया लेते हुए हमने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया और इस गाने को हमने बनाया है। ये गाना सूफी, लेकिन हम इसे शूट बहुत मॉडर्न स्टाइल से कर रहे हैं ताकि लोगों के जहन में पहुँचे, उनके बारे में पता लगे और उनकी मान्यता क्या क्या है। इस गाने में उस तरह की लिरिक्स लिखी गई हैं। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा नरेंद्र भाई, नरेंद्र सिंह जी को। ये हमारे मेन लीड भी हैं और ये उस पूरी जर्नी के चश्मदीद गवाह हैं कि इनके साथ काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन उन सारे एक्सीडेंट्स में बचे बाबा जी की कृपा से। ठीक है, तो और इन्हीं की रैग्स टू रिचेज स्टोरी है, कैसे इन्होंने डेवलप किया इनके आशीर्वाद से। ये जेसिका हैरिसन है जो इनकी मेन लीड है इस गाने में, जो हम इनका लव पार्ट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस गाने को हम पिक्चराइज कर रहे हैं और कुछ मंदिर के शॉट्स होंगे, कुछ यहाँ अलग हमारे ड्रीम सीक्वेंसेस होंगी। इस तरह से हम इसको लेकर के आ रहे हैं गाने को। इसकी अप्रोच बहुत मॉडर्न है, भजन है, सूफी है, लेकिन अप्रोच बहुत मॉडर्न है, लुक बहुत न्यू है, लुक बहुत वाइब्रेंट कलरफुल है। इतना हमारा इसको, और आप लोगों की हमें दुआएं चाहिए इसका, इसको करने के लिए। जी मैडम, आप कह रहे हैं। हाँ जी, मैंने बहुत सुना है बुलेट बाबा के बारे में। या आई बिलीव कि ऐसी चीज़ें होती है, मिरेकल्स हैपन्स, एंड जैसे कि इन्होंने भी अपनी कहानी के बारे में बताया तो आई लिटरली हैड गूज बम्स। तो या मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस प्रोजेक्ट को जुड़ने, मतलब इस प्रोजेक्ट से ज्वाइन होने के लिए। एंड या और हम लोग इनफैक्ट वहाँ पे जो टेम्पल है वहाँ पे भी जाके शूट करने वाले हैं। जी सर, सबने सुना होगा, बट मेरा अपना खुद का मानना है, ये मेरे साथ बीता हुआ है। मेरे 5 मेजर एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनमें मुझे खरोंच भी नहीं हुई, बट गाड़ी पूरी टोटली लॉस चली गई। तो कोरोना के बाद से ही मैं डाउन डाउन टू अर्थ जा रहा था। उसके बाद मैंने प्रोडक्शन में आने की कोशिश की, मैंने वेब सीरीज के लिए ट्राई किया बट नहीं आ पाया। फिर मैंने एक दिन ध्यान में आया कि मेरे को ओम बनना के लिए सबसे पहले करना चाहिए जो मैं मानता हूँ। उसके बाद मैं यूवी भाई से मिला, फिर नीतू जी से मिला और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे लिरिक्स दिए। इससे पहले भी मैंने लिरिक्स लिखवाई 4-5 लोगों से, बट मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद यूवी जी ने मुझे बहुत वो किया आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित, और इन्होंने ऐसा गाना बनाया कि मेरे पूरा दिमाग से ही अलग चला गया, अलग वे में जा। जो आज तक ओम बन्ना या बुलेट बाबा को नहीं जानते थे, इस गाने के बाद इंडिया के हर कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि सब इसी को करे, लेकिन मेरी ये दिली इच्छा है कि सब इसको माने, क्योंकि मेरे अलग ही जा चुका है। जैसे आप कह रहे हैं, एक फिल्म बन सकती थी। फिल्म अलग चीज है, अभी आप लोगों के और प्रोसेस और होता तो देखते हो फिल्म को, ताकि और समझते बाबा के बारे में, और आप वीडियो देख सकते हैं फिल्म में। गाने का एक सीमित टाइम होता है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। गाना इजीली आप 3 से 5 मिनट सुन सकते हो, बट फिल्म देखने के लिए 3 घंटे 2 घंटे हर आदमी नहीं देना चाहता। और गाने को मैंने मॉडर्न लुक इसलिए दिया है क्योंकि हर बंदा इसको सुने, ना कि बस डिवोशनल सॉन्ग समझ के साइड कर दे। पूरा आप जब गाना रिलीज होगा आप सुनोगे, आप खुद बोलोगे कि पूरा मॉडर्न वे में गया है। मंदिर के, सबने कहा है। हाँ, मंदिर का विजुअल लिए जाएंगे, बट वहाँ सेटअप अलाउड नहीं होने के कारण वहाँ लिमिटेड शूट्स किया जाएगा। बाकी ये शूटिंग सारी बॉम्बे में कर रहे हैं हम। कहाँ, कब, कब? बाबा के स्टूडियो में बाबा कौन थे, क्या थे? अब बाबा ये ओम बन्ना एक इंसान ही थे जो 1988 में इनका एक एक्सीडेंट हुआ। जहाँ एक्सीडेंट हुआ उस पेड़ से वो बाइक टकराई, उसके बाद पुलिस स्टेशन इस बाइक को ले जाया गया और वो बाइक ऑटोमेटिकली दूसरे दिन उसी जगह पहुँच जाती है। ऐसा तीसरी बार तब हुआ जब जंजीरों से बांध दिया गया बाइक को, फिर भी वो उसी जगह पहुँच गई। और फिर इन्होंने गाँव के लोगों के सपनों में आके इन्होंने बोला कि मेरा मंदिर बनाया जाए और मेरी बाइक मेरे पास ही रखी जाए। उसके अकॉर्डिंग ये मंदिर बना और वहाँ बाइक की पूजा भी होती है और फोटो की पूजा भी होती है। और आज जहाँ भी मैं उस रोड पे, आज आप एक्सीडेंट देखो वहाँ कोई आम जन हानि नहीं होती आज भी। सर देखा मैं मंदिर, वो ये जो घटना है काफी शुरू है, वायरल हुई है, तो ये जो मंदिर है ये इसके
उनके बेटे हैं प्राकर्म जी, जिन्होंने हमें मंदिर के लिए शूटिंग की वो दे दी है परमिशन भी। उनकी माता जी का देहांत अभी कोरोना काल में ही हुआ है, और भी उनके फैमिली है चोटीला गांव में, उनका पूरा परिवार है, वही आज मंदिर की देखभाल कर रहा है। और मैंने तो बाबा जी को खुद को एक बार देखा एक्सीडेंट होते हुए, जिन्होंने जैसे मुझे बचाया उस गाड़ी से। वहाँ के लोग भी मानते हैं इस बुलेट बुलेट की अगर बात करें, हमने सुना है बुलेट वहाँ पे आपको मिली आपको पुलिस स्टेशन से जंजरी तोड़ के। देखा किसी ने नहीं है, बट बुलेट वहाँ से चल के अपने आप पहुँच जाती है, वो सुबह वहीं मिलती है। जब आप खाना बना रहे तो उनके परिवार वालों से कोई बात हुई है, कुछ परमिशन लिया? हाँ बिल्कुल लिया, उनके बेटे से हमने परमिशन लिया मंदिर पे, और अभी हम जाएंगे तो और भी उनसे डिस्कस करेंगे। जैसे आपने कहा कि शूटिंग की परमिशन नहीं दे रहे वहाँ पे, सेटअप की बड़े सेटअप की नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। रोड के बीच में है, ये मेन हाईवे पे है, तो हम नॉर्मल पब्लिक को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बेसिकली उनकी श्रद्धा पे बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल नॉन डिस्टर्बिंग तरीके से उसको शूट करेंगे, उन टाइमिंग्स पे शूट करेंगे जहाँ पे जस्ट हम देंगे। नहीं अभी तक हमारी इसके लिए डिस्कस कुछ भी नहीं हुआ। कब शूटिंग की तारीख, कब क्या प्लान है आगे? ये 30 तारीख को हमारा कल्याण में शूट है, उसके बाद 8 तारीख को हमारा जोधपुर में शूट रहेगा, जो मेन मंदिर है वहाँ पे। ये जो गाना है किसने लिखा है, कौन सिंगर है? लिरिक्स हमारे नीतू पांडे क्रांति जी लिखे हैं, और सिंगर यूवी भाई। तो कितना लोगों ने हस्तक्षेप किए लिखने के वक्त, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं? नहीं, हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी कि हमने एक हफ्ते में ही सारा प्लान कर लिया था, और 15 से 20 दिन में हमने गाना रिकॉर्डिंग भी कर लिया था। गाने का पीछे भी करने वाले हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं आप, हाँ। आप उस बारे में जरा बताइए, और 24 इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्शंस बारे में बताइए। ये एक मेरी पहले इवेंट कंपनी थी, इसको मैंने प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया है, और हमारे आगे आने वाले वेब सीरीज फिल्म्स शॉर्ट फिल्म्स ये सब आपको देखने को मिलेगी, जिसका 2 प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मतलब रनिंग में है मेरा। मैम आपकी बात करें, क्या क्या प्रोफाइल आपका, क्या कर रहे हैं? जी वैसे फिलहाल मैंने कुमकुम भाग्य में भी काम किया है, नागिन 6 में मैंने नेगेटिव लीड किया है, उसके अलावा जो रैपर है बादशाह उनके साथ मैंने गाना भी शेयर किया है, विच इज़ प्रमोशनल सॉन्ग टू रॉयल स्टैम्प, और मैंने एक वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के लिए राणा नायडू, उसमें मैंने कैमियो रोल किया है। सो फिलहाल ये मेरा काम है। उम्मीद है, मतलब मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये गाना बना रहे हैं, और ऑब्वियसली जो बुलेट बाबा के ट्रिब्यूटर्स जो रहेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि इन्होंने बताया इनकी घटना पे आधारित है, और उनका इनकी लाइफ में क्या पार्ट है, एक हम ये जर्नी दिखा रहे हैं इस गाने के थ्रू। बुलेट को चेंज भी कर सकते थे आप, बुलेट मैन है टाइटल, मैन बुलेट की ही पूजा होती है आज। सही, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सही सर, ये इनको मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक दे रहा हूँ, और बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रहा हूँ, ड्रीमी लुक दे रहा हूँ, इसमें कोई ग्लैमर या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके का एक अच्छा फेस, एक यंग फेस, और उसको एक अगर आपने कुछ अच्छी पिक्चरें देखी हो, जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे शॉर्ट्स हैं, उस तरह के शॉर्ट्स हैं, विजुअल्स उस तरह के हैं, कलरफुल विजुअल्स हैं, ड्रीमी विजुअल्स हैं, और ये इनकी जो पार्ट है इस कहानी में भी इस तरह का हम रखा है कि ये इनका एक ये भी एक पार्ट है, जिस तरह से ये प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में, और इनकी वजह से भी करते हैं, इनको ये मिलती हैं, इस तरह से किस कहानी चलती है, और उसके बाद जहाँ जहाँ ये मिलती हैं प्रोग्रेस और करते हैं, और बुलेट बाबा की तो कृपा है ही है, तो इस तरीके से, और एक इनको एक नॉर्मल विलेज मैन से मॉडर्न मैन बनाती हैं, ये एक थोड़ी जर्नी है। सर आई थिंक ये एक शाही परिवार की कहानी है, जो वो से कुछ वहाँ से ताल्लुक रखते हैं ना शासन से, जयपुर या जोधपुर से जो बुलेट फॉलो करते हैं? नहीं, ये आम आदमी के परिवार की कहानी, आम आदमी। हाँ सर, एक ही उस टाइम के वैसे थोड़े मिडिल क्लास से समझ सकते हैं, वो किसी रॉयल फैमिली से थे? नहीं ऐसा मैं। सर आप ये जो गाना बना रहे हैं इसके बाद और भी गाने अगर आप बनाएंगे इस बारे में, या फिर यही एक गाना? नहीं, इसका हम भाग 2 भी लेके आएंगे, ओम बन्ना का पार्ट 2 भी जा रहा है इसका, और उसमें और डेवलपमेंट होगी कहानी के लिए। गाने हमेशा हिट रहे हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान की झलक रही उसमें गाने में कुछ, बिल्कुल रहेगी, हमेशा गाने हिट रहे हैं, वैसे रहे कि पार्टी के सॉन्ग बन जाते हैं बड़े-बड़े। एक गाना पूरा ही राजस्थान का ही है ना, ओम बन्ना राजस्थान में ही है। जी
राजस्थान की झलक तो दिखेगी इस गाने गाने की जो खास बात है वो ये है कि जब आप गाना सुनेंगे तो दो बार ही सिर्फ गाना सुनने के बाद अब वो आपके दिमाग में बजता रहेगा कम से कम चार दिन। ये मैंने खुद फील किया है एज ए डायरेक्टर भी, एज ए म्यूजिक लवर भी, और जिसने भी गाना सुना है एक बार भी सुना है तो उसके दिमाग में बैठ जाता है गाना। एक होता है ना जैसे गाना सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा है क्या, मतलब सवेरे से लेकर शाम तक आपके दिमाग में एक चलता रहता है, वो फील है उस गाने में, और वो सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी गाने को हिट करने के लिए। आई गेस गाना बन चुका है, गाना रेडी है, कैसा कितना जस्टिस दिया जैसे गाने को पूरा जस्टिस मिला है, और बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छे उसकी मीड़ है, उसके जो मुर्कियाँ हैं बहुत अच्छी ली हैं उन्होंने, और बहुत सूफी फील आती है गाने की, और आपको लगता है कि आप इमोशनल होते हैं उस गाने को सुन के। सबसे बड़ी बात यही है उस गाने की। देखिए गाने के बारे में कहने से अच्छा कि मैं गाई देता हूँ दो लाइनें। जहाँ जहाँ मैं चला थाम के हाथ चला है तू, गांव शहर हर नगर नगर दिन रात चला है तू, तेरी महिमा महान तू ही मेरा भगवान, मेरे ओम बन्ना ओ मेरे बाबा जी, मेरे बुलेट बाबा मेरे बाबा जी। जी ओम बन्ना जी के बारे में मैंने पहले भी सुना था, पढ़ा भी था, और जैसा कि मेरे सामने कुछ भी लिखने के लिए आता है तो एक ब्रीफ होता है, एक सिचुएशन होता है, तो जब मुझसे नरेंद्र जी मिले तो इन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, और स्टोरी सुन के ही फील आया कि इस पे बहुत अच्छा लिखा जाएगा, एंड डेफिनेटली जिस भी हम जिस भी देवी देवता के लिए लिखते हैं या किसी चीज़ में, तो उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है एक राइटर के लिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को अपना नहीं मानेंगे तब तक आप उसके लिए अच्छे लिरिक्स नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उस स्टोरी को ऐसा फील किया जैसे ये मेरे साथ ही हुआ हो, एंड एक ब्लेसिंग रही ओम बन्ना की मेरे साथ कि बस एक बार पेन चला तो फिर अपने आप शब्द आते गए और गाना बनता गया, एंड कोई फीडबैक नहीं कुछ नहीं, एक बार में इतना अच्छा गाना बन गया और उसको इतनी अच्छी कंपोजिशन मिली, इतनी अच्छी आवाज़ मिली कि वो मतलब एक बहुत ही मतलब डिफरेंट गाना है ये। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे भजन आप लोगों ने सुने होंगे, बट ये हम इसको भजन जैसा नहीं, इसको जब भी सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस इसमें खो जाए। ये काफ़ी डिफरेंट टाइप का गाना बना है और लिरिक्स भी इसके बहुत अलग हैं, मतलब जुड़े हुए अपने आप से लगेंगे, जब भी सुनेंगे तो लगेगा कि बस ये हमारी कहानी है और मेरे साथ ओम बन्ना है। जी जी थोड़ा बहुत तो लाना पड़ता है, मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ तो मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और मैंने हिंदी में काफ़ी काम भी किया हुआ है, तो ये गाना है हिंदी में, तो उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं था कि हमें मारवाड़ी टोन लाना पड़े, जोधपुर की जो अपनी भाषा है वहाँ की जो मातृभाषा है उसको यूज़ करें, हिंदी का था तो हिंदी में ही लिखा मैंने। एक्चुअली मैं काटना चाह रहा हूँ इसमें ना, बहुत ज़रूरी था क्योंकि क्योंकि राजस्थान में ही ओम बन्ना जी को ज़्यादा जाना जाता है, माना जाता है, तो नरेंद्र भाई का कहना था कि जब गाना बनाया जाए तो वहीं तक सीमित ना रह जाए, पूरे भारत के लोग या जहाँ पे भी हिंदी भाषी लोग रहते हैं तो वो भी उनके बारे में जाने, तो इनका जो बेसिक आइडिया था ये था, तो दैट्स व्हाई वो उनकी वो इसके लिए हिंदी में करना है करना इसलिए करना पड़ा। और वो नहीं, मैं इनके मतलब नाम को जितना कर रहा हूँ प्रचार उतना हो करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कमर्शियल कितना है कमर्शियल एंगल से देखें? कमर्शियल एंगल से अगर देखोगे तो बहुत एकदम फिल्मी सॉन्ग है, बहुत मॉडर्न है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि एक भजन सुन रहे, अगर आप मैं भी सिर्फ गाया है लेकिन आप रिदम और म्यूजिक के साथ सुनेंगे तो आप कैमरा छोड़ के नाचने लगेंगे, मेरी ऐसा पूरी उम्मीद है। नहीं इस पे फिल्म का मेरा कोई अभी ही नहीं है, पार्ट टू बनना ये पूरा मतलब मैं अपनी लाइफ पे ही बना रहा हूँ जो मेरे साथ साथ घटित होता गया। फिल्म का प्लान कुछ नहीं है कि आगे? नहीं फिल्म का प्लान नहीं है इसका। सुनील
सर हमने सुना है कि प्रसाद में लड्डू और शराब चढ़ाई जाती है, इसका भी जिक्र इसमें है क्या? हाँ, इसमें नहीं बट शराब चढ़ाई जाती है उनको आज भी, क्योंकि अपने ये जो ओम बनना है वो राजपूत है, और राजपूत में जो भी भौमिया हुए हैं पितर से ऊपर भौमिया होते हैं उनको शराब चढ़ाई जाती है। गाने में है नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं गाने देखिए हमारा जो मेन मकसद है जो हमारा मेन है ये है कि हम ओम बन्ना के बारे में बताएं। शराब कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है, तो हम जो थोड़ी सी लोगों में निगेटिविटी ला दे ऐसी चीज़ों को हम क्यों लोगों तक पहुँचाए, तो इसके लिए हमने उन चीज़ों को अवॉइड किया हुआ है। ये आई थिंक जून एंड में आ जाएगा, क्योंकि हमारी कुछ डेटेज चेंज हो गई है। पहले हमारा प्लान 15 जून तक था बट अब ये थोड़ा सा आगे आपको 22 से 25 जून के बीच आ जाएगा। कहाँ देखने मिलेगा कि चैनल पे कुछ प्लान? ये मैं अपने खुद से चैनल से ही कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल से, बाकी आप विंक पे और भी आईट्यून्स पे सब चैनल्स पे काफ़ी चैनल्स पे मैं इसको करूँगा। हाँ बिल्कुल जाएंगे। देखिए वैसे मैं बहुत सारे गाने गाता हूँ, बहुत सारी फिल्म्स में गा चुका हूँ, गाता ही रहता हूँ, लेकिन जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे इन लोगों को बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिला, तो मेरे लिए भी एक नया था, क्योंकि जब मैंने नहीं सुना था बुलेट बाबा के बारे में, लेकिन जब वो गाना लिरिक्स मेरे सामने आए, पहले लिरिक्स लिखे गए थे उसके बाद म्यूज़िक बनाए, तो मुझे ना सिर्फ 2-3-4 मिनट लगे थे उसको ट्यून करते हुए, और मुझे नहीं पता था कि वो अच्छा बना है बुरा बना है कैसा है, लेकिन मैंने सुनाया और अच्छा लगा, और जब म्यूज़िक हो गया तैयार तो और भी अच्छा लगा। और एक ना इसमें शुरू में एक पार्ट है, मैं अभी गाऊंगा नहीं, लेकिन एक पार्ट है जो मैंने सोचा था कि किसी बहुत ऊंची आवाज़ वाले से गवाऊंगा वो पार्ट, तो वो जिससे मैं गवाने वाला था तो वो पहले ही चला गया है, मतलब ही वॉज नॉट इन बॉम्बे, तो मुझे लगा चलो मैं ही देख लेता हूँ, तो वो इतने प्यार से हो गया, वो मेरा स्केल नहीं है वो गाने का, लेकिन फिर भी वो मैं एक नोट ऊपर था फिर भी वो चला गया, अच्छा से गा पाया, और एक ना बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा कि गाने तो हम गाते रहते हैं, कभी कभी गाते गाते एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, और बुलेट बाबा की कृपा, बुलेट बाबा की कृपा, और इनके ऊपर इतनी हुई है तो मुझे लगा मेरे ऊपर भी हो ही जाए। संगीत भी आपने दिया है गाने का? हाँ हाँ, मैंने ढोल ताशा बजेंगे सर, सब म्यूजिक सर, बहुत ढोल है, ढोलक है, तबला है, बेंजो है, गिटार है, इतना मतलब इट्स अ वेरी बिग सॉन्ग, आप सुनोगे तो आप आओगे मेरे ख्याल से हमारी इसमें आने वाले ना आप शूट पे, तो शूट पे आप सुनोगे तो 100% आप डांस कर रहे हो। ये लास्ट क्वेश्चन लाइक अंडर दिस प्रोडक्शन 24 ड्रीम डेस्टिनेशन और क्या प्रोजेक्ट्स हैं अभी? फिलहाल हमारी वेब सीरीज है आगे, और फिर शॉर्ट मूवीज रहेगी, फिर आगे अगर अच्छा हमारा रहा तो फिर बड़ी फिल्म्स भी लाएंगे हम। किस विषय पर रहेगी शॉर्ट फिल्म या ऐसा फिल्म? अभी मैं कहना नहीं चाहूँगा बट मेरे कंटेंट डिफरेंट रहेंगे, जो मतलब फैमिली भी देख सके, कुछ भी बोल्ड में रखना नहीं चाहूँगा इसमें।